इसको बोलते हैं भाई हरियाणवी और पंजाबी की शान। यहाँ पर देख लो भाई, जम्मू कश्मीर वाले भी पीछे नहीं रह गए भाई, अब स्कॉर्पियो क्लासिक को अपनी रानी बना रहे हैं। मैंने फ्री कर दिया ना, हाँ। कस्टमर का प्यार मिलता है, उसको डबल लौटा रहा हूं। ग्रिल में भी देख लो भाई, ग्रिल में भी इन्होंने जेनवन आपका महिंद्रा जेनवन रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका 2500 रुपए का रहता है, ठीक है। बॉडी पेंट आपका 15500 रुपए का रहता है, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। यार अपनी 8500 की रहने वाली है, फॉग लाइट 1900 रुपए की, बढ़िया। आपके थार के अलॉय व्हील जो कि हम वीडियो में बोलते हैं और अभी भी बोल रहा हूं 18000 रुपए का हम लगाते हैं, बट अगर आपके टायर बचे हुए हैं तो आपको उसी के अंदर टायर भी इंक्लूड हो जाएगा। पिलर लाइट भी लगवा सकते हो, जो कि आपके S11 में भी पिलर लाइट नहीं आती है, तो आप पिलर लाइट अलग से लगवाना ही पड़ता है S11 वालों को भी। आप भी चाहो तो लगवा सकते हो, 4800 रुपए की कॉस्ट आएगी उसकी। बाकी सेवेंटी की कॉस्टिंग अपनी 2800 से 3000 होती है, बाकी उसके ऊपर भी जाता है आपके, तो आपकी कॉस्टिंग आपके ऊपर है, क्वालिटी कौन सी लेते हो। ठीक, ये 25000 में भाई बेस्ट टॉप पे आप पावर विंडो लेके जा सकते हैं, अपना प्राप्त कर सकते हैं रोहित भाई से, ठीक है जी। ओल स्पीकर स्टार्टिंग अपनी 3000 से है भैया, सीट कवर अपने 7000 से स्टार्ट है, बाकी आप रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, कौन से कपड़े की, उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट रेट है। बेस्ट टू टॉप जो भाई कराएंगे उनके लिए यू और स्टीयरिंग रैप फ्री है। ओके जी, ओके ओके ओके। ये जो आप यहाँ पे आपको स्टिचिंग दिख रही है स्टीयरिंग पे, ये और साथ में ये जो है भाई, तो भाई ये गाड़ी कहलाती है भाई देसी गाड़ी, और इसको भाई मार्केट में पता क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं भाई हरियाणवी और पंजाबी की शान। यहाँ पर देख लो भाई, जम्मू कश्मीर वाले भी पीछे नहीं रह गए भाई, अब स्कॉर्पियो क्लासिक को अपनी रानी बना रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, आप देख सकते हैं J&K से स्कॉर्पियो क्लासिक आई है S मॉडल, और अभी देखो भाई पूरी गाड़ी खुली हुई है। ऐसा क्यों, ये बात का जवाब देंगे रोहित भाई। रोहित भाई, भाई तुमने क्या कर दिया, गाड़ी अच्छी खासी गाड़ी खोल दी यार, क्यों? बॉडी खुली है, हाँ। पेंट पे गई है, और बॉडी कल बिल्कुल पेंट हो गई, जैसे बॉडी पेंट होती है सेम मिलेगी भाई। इसमें आपको पता होगा S मॉडल में ये जो क्लाइडिंग आती है ब्लैक आती है ना, ब्लैक मैट आती है, और ब्लैक आती है, हाँ मैट आती है भाई, है ना, और ब्लैक में भाई गाड़ी पूरी व्हाइट, सिर्फ क्लाइडिंग इतनी मोटी मोटी ब्लैक, भाई कहाँ मजा आएगा वो। तो भाई उसका समाधान निकालने के लिए आज आ गए हैं रियांश कार डेकोर पे रोहित भाई के पास, जिन्होंने आज अपनी गाड़ी बिफोर में देख लो, अब रात में ऐसी दिख रही है, जैसी सुबह होगी भाई दिन तो बदलेगा, लेकिन गाड़ी भी साथ बदलेगी भाई। ये देखो भाई दिन के साथ साथ ये गाड़ी भी पूरी यार बदलने वाली है। अभी टाइम देख लो भाई, रात के कितने बज रहे हैं, 11:30 के अराउंड अपने 12 बजने वाले हैं, और कल भाई सुबह होते होते ही में गाड़ी में पूरा जो है काम कस्टमर को डन होकर मिलेगा। J&K से भैया आए थे और कल ही कल में चले भी जाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई। स्कॉर्पियो में इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि भाई मेन इसका पेंट का काम होता है, अगर आप पेंट काम नहीं भी कराओगे ना तो आपको एक दिन के अंदर फ्री कर दे। सेंटर लॉक भी नहीं लगाया अभी, मुझे आज ही गाड़ी करके दो, कि 9 से 10 बजे के बाद अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो गाड़ी आपकी। भाई देखो एक मिनट रुको भाई, ये देखो ये इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो भाई, अपने 15 लाख तक में गाड़ी आपको मिलती है ये, तब भी ये चाबी घुमा घुमा के कब तक खोलोगे भाई? सेंटर लॉकिंग लगवाओ अपना टॉप मॉडल वाली, ये देखो पूरी लॉकिंग आप देख लो अंदर से, देखो भाई पूरी जो है गाड़ी अभी यहाँ से इस पर डैम्पिंग शीट वगैरह लग जाएंगी अभी, और इसी के साथ में स्टीयरिंग भी देख लो, ये स्टीयरिंग भी पूरा जो आपको खुला हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों, इसमें आप कंट्रोल्स लगने वाले हैं, टॉप मॉडल वाला पूरा इसमें डिप होने वाला है, जो आपको अपनी पिछली गाड़ियों में चलता आ रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है उस पर। हर गाड़ी में जो भी गाड़ी आ रही है ना उसमें डिप जरूर करा रहे भाई स्टीयरिंग। भाई फर्स्ट टाइम दिखाया था अपनी वीडियो से, और भाई काफी बंदे वो है मांगते हैं भाई आके, है ना? हाइड्रोलिक मैंने फ्री कर दिया ना, हाँ। कस्टमर का प्यार मिलता है, उसको डबल लौटा रहा हूं। हाइड्रोलिक मैंने फ्री कर दिया, किसी यू वाला पार्ट होता है फ्री कर, बेस टॉप पे फ्री है, बेस टॉप पे फ्री है। लो जी भाई, बेस मॉडल का टॉप बनवाओगे तो फ्री मिले जाओगे भाई अपना, ये जो डिप वाला होता है। और भाई खुली हुई गाड़ी आप सब लोग देख लीजिए एक बार, यहाँ पर इसमें स्क्रीन लगने वाली है, सीट कवर भी होने वाले है, इसमें पूरा काम जो है फ्लोरिंग इसमें होने वाली है, सारे मैट वगैरह जो डलने वाले। अभी देखो गाड़ी का ये मैट देखो कितना गंदा हो रहा है, ये सब चीज का इलाज अभी कर देंगे, और साथ में गाड़ी के लुक देख सकते हैं। चलिए भाई अब दिखाते हैं आपको आफ्टर। फाइनली आज नेक्स्ट डे अपने भाई दिखा रहे हैं आपको J&K स्पेशल जम्मू कश्मीर की गाड़ी, अपनी पीली नंबर प्लेट में स्कॉर्पियो। भाई आज तक नहीं देखी पीली नंबर प्लेट में स्कॉर्पियो दिल्ली में चलती हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर वालों ने कमी नहीं छोड़ी भाई, जम्मू कश्मीर वाले लेके आ गए हैं करोल बाग में मॉडिफाई कराने स्कॉर्पियो को, और देखते हैं भाई क्या क्या काम इन्होंने कंप्लीट करवा लिया है। कल की वीडियो देख ली भाई लोगों ने, खुली हुई गाड़ी देख ली है, अब कंप्लीट गाड़ी देख लो। बात करते हैं भाई फ्रंट प्रोफाइल से, सबसे पहले तो यहाँ पर भाई इन्होंने टेपिंग कर दी है हेडलाइट्स में, तो यार इसका क्या काम है पहले तो ये बताओ। जैसे कि फॉग आजकल ज्यादा होते हैं, तो उसके चक्कर में हमने इसमें भैया ने टेपिंग कर दी है कि वहाँ पे और क्लियरिटी आए, क्योंकि उनको J&K जाना है, ठीक है, वहाँ धुंध आपको जानते हो ज्यादा ही होती है। भाई सफेद लाइट भी लगवा सकते हो आप लोग, LED लगवा सकते हो, लेकिन भाई फॉग में ना वो चीज कामयाब नहीं रहती रोहित भाई, सही बोल रहा हूं। अगर आप LED लगवाते हो तो फिर आपको ये टेपिंग करा लो, फॉग फॉग जब तो ठंड है उसके बाद फिर इसको हटा लो, व्हाइट लाइट चलेगी आपकी, दिन में आप चला सकते हो वैसे। अच्छा ये काम सही है भाई, अगर जब तक आपकी फॉग चल रही है तब तक के लिए टेपिंग करवा लो, उसके बाद फाड़ देना टेपिंग ही,
खुद ही फाड़ सकते हो ज्यादा, इसमें मैंने वाला काम नहीं है। वो लगा ट्राई कलर भी लगाते हैं, फॉग लाइट में प्रोजेक्टर लगाते हैं, ट्राई कलर जैसे हेडलाइट में भी आप करा सकते हो, बहुत सारी ऑप्शन आते हैं आपके। ठीक है जी, नीचे बात करते हैं, नीचे इन्होंने क्या लगा दिया भाई? नीचे फॉग लाइट और डीआरएल। ठीक है, उसी के साथ में आज लुक थोड़ी चेंज लग रही है भाई, ये पूरा पेंट कर दिया आपने? हां जी। ठीक है जी, यहाँ पर पूरा मैट आता है आपका, और ये बेस मॉडल वाला कोई लुक आपको आगे से तो लग रही है, बाहर बाहर से हमने बिल्कुल टॉप बना दिया है, बिल्कुल अंदर से भी टॉप बन जाएगी। भैया कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, तो अंदर से भी टॉप बन जाएगी, बाहर से हमने पूरी टॉप बना दी है। ठीक है जी, ग्रिल में भी देख लो भाई, ग्रिल में भी इन्होंने दिए। जनवन आपका महिंद्रा जनवन रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका 2500 रुपए का रहता है। ठीक है, बॉडी पेंट आपका 15500 रुपए का रहता है, बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, जिसमें आपका आउटर हैंडल, पीछे का स्पॉइलर सारा ही ऐड होता है, उसके अलग से पेंटिंग है, कोई पैसा नहीं देना आपको। ओके जी, ओके ओके। और इसमें अपना डीआरएल और फॉग लाइट, डीआरएल अपनी 8500 की रहने वाली है, फॉग लाइट 1900 रुपए की। बढ़िया, आओ चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, हमने थार वाला के अलॉय व्हील्स आ गए भाई। इसमें इसका क्या सीन रहने वाला भाई? आपके थार के अलॉय व्हील जो कि हम वीडियो में बोलते हैं और अभी भी बोल रहा हूं, 18000 रुपए का हम लगाते हैं, बट अगर आपके टायर बचे हुए हैं तो आपको उसी के अंदर टायर भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपके टायर जैसे कि दाने खत्म हो गए, छोटे जैसे पुरानी हो गई है, तो टायर की कॉस्टिंग आपको अलग से देनी पड़ेगी, वरना आप टायर उसमें फ्री मिल रहा है आपको। अच्छा, एक बार वाले टायर और रिम ले लेंगे और नए वाले टायर आपको दे देंगे। बिल्कुल, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कितने इंच चाहिए, कितने इंच है बेसिक जो टायर आते हैं इसमें, टायर आते हैं इसमें 17 इंच के आते हैं, और जो अलग से हम लगाते हैं थार वाले 18 इंच के लगाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ये 18 इंच का टायर है, ऑल टेरेन टायर रहने वाला है अपना भाई, देख लो नाम पढ़ लो, क्रॉस ड्राइव ऑल टेरेन 80। ठीक है, साथ में इसका आपका सीएड का टायर रहने वाला है, और ये देखो ऑल टेरेन की बैल्डिंग आपको मिलेगी इसमें। अगर साइज की बात करें तो भाई साइज 18 इंच है इसका। हाँ, और आप ये चेंज करो, ऐसा नहीं, इसकी वारंटी भी आपके नंबर पे एक्सटेंड करा के दूंगा। ठीक है, जब तक आपकी वारंटी मिलता है टायर का, आपका वारंटी आपके फोन नंबर पे एक्टिवेट हो जाएगा, कहीं भी होगा तो ऑल ओवर इंडिया आप सीएड के टायर से एक्सचेंज करा सकते हो। अच्छा अच्छा, जैसे ये भाई जम्मू कश्मीर से आए इनको वापस वारंटी मिल जाएगी, कहीं भी हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ये आपका मिरर दिखा दो भाई, और हमने साइड मिरर लगाया इसमें टॉप मॉडल वाला, क्योंकि टॉप में भी डीआरएल नहीं आता है, ये हमने अलग से लगाया। ठीक है, इसमें इंडिकेटर भी आपको वर्किंग, आप साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसा देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें फुटरेस्ट भी लगवा सकते हो। ठीक है, जो कि भैया ने लगवाया नहीं, क्योंकि उनको नीड नहीं थी या बजट कम था, जो भी जैसा भी हो, हमने लगाया नहीं, आप साइड फुट चाहो तो लगा सकते हो। ओके जी, ओके ओके ओके, क्योंकि वो महिंद्रा जो दे रखी है आप देखो छोटा होता है, जो हम लगाते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए जेन्युइन जो आती है विद कैप आती है यहाँ तक पूरी, दोनों बगल कैप लगे, आपने और वीडियो में देखी होगी। ओके जी, ओके, बाकी इसमें हमने रोड वाइजर का इंस्टॉलेशन कर दिया है जो कि महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है, और हमने रूफ रेल लगा दिया है, क्योंकि हर वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको, गाड़ी हिल जाएगी पूरी, रूफ रेल नहीं हिलेगा, बहुत ऐसा नहीं कि चिपका दिया हमने बेवकूफ बना दिया कि नहीं जी ग्रिल वाला लगा हुआ है। बाकी जी साइड प्रोफाइल से अपना कुछ इतना काम रहने वाला है, साइड प्रोफाइल से गाड़ी की कंप्लीट लुक आप चेक कर सकते हो, सारा काम हुआ है रियांश का डेकोरेशन पे। आओ बैक प्रोफाइल दिखाते हैं, बैक प्रोफाइल में अपना हमने स्पॉइलर लगाया महिंद्रा जेन्युइन, इसकी फिटिंग देखने के लिए ना भाई आप यहाँ से देख सकते हैं कितना जो है कैसी फिटिंग इसकी आपको देखिए। ये भी अपनी पिस्टिंग वाली नहीं होती, ड्रिल वाली होती है, इसमें वॉशर की जगह होती है, वॉशर होता है, आप अगर वाइपर चालू कराना है तो वाइपर ऑन भी करा सकते हो। ठीक है, उसके अलग से पैसे वॉशर के नहीं देने हैं, भैया ने डमी वाइपर रखवाया है, अगर कोई भाई चाहे तो चालू भी करा सकता है, जिसकी कॉस्टिंग 8500 रहती है। ओके जी, ओके, ये वाइपर जो आपको दिख रहा है ना भाई, ये आप महिंद्रा जेन्युइन होता है, डमी होता है, बट अगर चालू कराओगे तो नीचे मोटर लगती है आगे पीछे और पाइप लगता है, चालू हो जाता है। ओके जी, पॉसिबल है। बाकी अपना ये देख लो, इसमें रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट 11 की बैजिंग भी लगा दी है इन्होंने, सिर्फ भाई एस से एस 11 नाम नाम का नहीं है, इसमें आपको बैजिंग के साथ बाहर से बना भी दिया और बाहर से लगा भी दिया है। बहुत बढ़िया, रिफ्लेक्टर की फिटिंग आप लोग देख लीजिए, तो जैसे जेन्युइन जगह आती है उसमें डमी आता है, इसमें लाइट नहीं होती, इसमें हमने लाइट वाली मैट्रिक्स वाली लगा दी। बाकी रिफ्लेक्टर भाई, रिफ्लेक्टर की आप देख सकते हैं भाई क्या डिज़ाइन है इसमें। ठीक है जी, इसमें कुछ अपना बैक प्रोफाइल, कैमरे की प्लेसमेंट हमने जहाँ ओएम जगह पे आती है, ऐसा कि नहीं कहीं भी ड्रिल करके लगाया, बम्पर में लगाया हो, जहाँ जगह आती है वहीं पे लगाया हमने। ठीक है जी, इधर लग गया कैमरा अपना। इसमें आप पिलर लाइट भी लगा सकते हो, जो कि आपके एस 11 में भी पिलर लाइट नहीं आती है, तो आप पिलर लाइट अलग से लगवाना ही पड़ता है एस 11 वालों को भी, आप भी चाहो तो लगवा सकते हो, 4800 रुपये की कॉस्ट आएगी उसकी। बाकी आपकी गाड़ी को काफी लुक को इनहेंस करती है और काफी अच्छी लुकिंग देती है। ठीक है, पिलर लाइट, बैक लाइट और रिफ्लेक्टर तीनों जब साथ में चलता है ना, पीछे से गाड़ी की लुकिंग बहुत सुंदर आती है और बहुत प्यारी रहती है। ओके जी, ओके, चलता हूँ इंटीरियर। सबसे पहले तो आप देख लो भाई इसका डोर जो कि चेंज हुआ है भाई, यहाँ पे नया डोर लगा दिया गया इसमें, इसमें पियानो ब्लैक की टच आपको देखने को मिल जाती है ऊपर। इसमें ट्विटर का भाई देख लो, अलग सी थोड़ी सी आज काम हुआ है इसमें, ट्विटर में थोड़ा अलग सी फिटिंग इसकी हुई है। और बात करते हैं पावर विंडोज की, सारी अपनी वर्किंग रहने वाली है इसमें, लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। नीचे बोटल होल्डर की भी, आप बोटल होल्डर तो नहीं बोलूंगा इसको भाई, आपका पेपर डॉक्यूमेंट होल्डर बोलूंगा इसको, बोटल तो यहाँ पे आएगी नहीं। और यहाँ पर इसकी वर्किंग आप लोग देख सकते हैं भाई कैसे जो है वर्क करता है भाई ये, उस साइड का भी वहाँ पर देख लो भाई, रोहित भाई की साइड से भी पूरा एडजस्टमेंट जो है हम कर सकते हैं भाई, ये चारों वाला पावर विंडो आपको सेट यहाँ पर पूरे गत्ते से चेंज होकर मिल गया। इसमें आपको फाइबर कपड़ा मिल जाता है, अगर आपको यहाँ पर इंटीरियर करवाते ना कस्टमाइज, अगर कोई भाई चाहता है कि कस्टमाइज इंटीरियर चाहिए या तरंगी कलर का, थोड़ा टैन कलर हो गया, ब्राउन हो गया, कॉफी हो गया, तो उसमें आप ये चीज़ भी मैचिंग की करवा सकते हो भाई अपने साथ में। और भाई अंदर बैठते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की भाई देख लो, यहाँ पे आपको वेलकम प्लेट मिलने वाली है, आपका वही फुटरेस वगैरह जो चीज़ बताई थी। और मैटिंग की बात करें तो भाई मैटिंग भी इसमें आप देख सकते हैं भाई, कौन सी 7D अपनी, 7D है ना, 7D मैट।
ठीक है, 70 के बाद बताओ भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ जाती है स्टार्टिंग 70 की कॉस्टिंग अपनी 2800 से 3000 होती है, बाकी उसके ऊपर भी जाता है आपके, तो आपकी कॉस्टिंग आपके ऊपर है क्वालिटी कौन सी लेते हो। ठीक है, क्वालिटी काफी सारी ज्यादा है। पावर विंडो का बताओ भाई क्या सीन है। पावर विंडो भैया वही रहने वाला अपना 27000 रुपए का, बाकी बेस टू टॉप कराते हो तो आपको मेरी तरफ चलो एक और ऑफर देते 25000। बताओ जी कितना? 25000 पक्का? हाँ चलो बढ़िया भाई, ये 25000 में भाई बेस टू टॉप पे आप पावर विंडो लेके जा सकते हैं, अपना प्राप्त कर सकते हैं रोहित भाई से। ठीक है जी, अब इंटीरियर में ना स्टेयरिंग मेन चीज होती है, अगर गाड़ी पे कोई बंदा बैठता सबसे पहले तो वो इंटीरियर देखता है और मीटर देखता है भाई। मीटर तो मैंने डाल दिया टॉप मॉडल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्रल सारे गियर वगैरह सब चीज आपको शो करेगा ये, और वर्किंग रहेगा प्रॉपरली। और इसमें आपको मेन चीज पता क्या चेक करनी है कि आपके जो यहाँ पे किलोमीटर है जो पहले वाली मीटर में थे ना वही किलोमीटर की रीडिंग आनी बिल्कुल, वो चीज चेक करना भाई जरूर अगर कहीं से भी लगवा रहे हो अपना। मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई रियांश का डेकोरेशन चेक कराओ, रेट सस्ते हैं भाई यहाँ के, रेट अच्छे वाजिब रेट देते हैं और साथ में भाई काम सुपर कर देते हैं आप लोगों के सामने है क्वालिटी कैसा काम मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर डिप भी देख लो भाई कैसा जो है इन्होंने करके दे दी है भाई, ये पूरा जो है डिप कर दिया है, क्रूज कंट्रोल लगा दिया है लेकिन ये भाई वर्किंग नहीं है। इसी साथ में वॉल्यूम कंट्रोल्स जो अपने वर्किंग रहते हैं, कंट्रोल्स आपके वर्किंग रहते हैं, क्रूज कंट्रोल वर्किंग रहते हैं। ठीक है जी, ये वाले कंट्रोल्स जो है वॉल्यूम वाले ये सारे भाई वर्किंग रहने वाले हैं, आप यहाँ पे देख लो म्यूट अनम्यूट यहीं से कर सकते हैं हम। और मीटर की बात करते हैं तो मीटर में भी आरपीएम वगैरह पूरी उठती है, यहाँ पे देख लो जैसे हम रहते थे ना भाई इसमें देख लो आरपीएम आपको यहाँ पे उड़ती हुई दिखने वाली है, बहुत बढ़िया भाई। और बात करते हैं ना एंड्रॉइड स्क्रीन की तो कौन सी लगा दी इसमें? एंड्रॉइड वही जो हम लगाते हैं T5 4/32। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर मेरे को मुझे बोलते हैं कि आप लगाओ तो मैं फिर यही रिकमेंड करता हूँ और लगवाते भी यही है, उनको भी पता है कि फ्यूचर के हिसाब से लगा के दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल को मुझे हैंगिंग प्रॉब्लम हो या सीसी लगवाना हो या कारप्ले नहीं है, इसमें सारी चीजें हैं, सालों साल चलाओ इसे आप। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी ये मिरर की एडजस्टमेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट जो है ना ये देखो कैसे मिरर की सेट हो रही है, ये आपको यहाँ पर स्विच दिया गया है देखो लेफ्ट राइट वाला, इसके वह एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। स्पीकर कौन सा लगा दिया भाई? स्पीकर हमने सर पाइनर के लगाए। पाइनर के कौन कौन से? पाइनर का कंपोनेंट लगाया ओवल, ओवल नहीं लगवाया भैया ने, क्यों यार वो साउंड सिस्टम थोड़ा कम चाहिए था, तो ये बात गलत है भाई रोहित भाई, ये काम मत करा करो यार, जबरदस्ती तो लगा नहीं सकते कस्टमर को, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वही लगाएंगे। पर भाई आप अगर मेरी वीडियो देखते हो ना भाई, अगर ऐसा मैं आपको फ्रेंड बोल लो यूट्यूबर बोल लो कुछ भी बोल लो आपको सजेशन दूंगा ना ओवल स्पीकर जरूर लगवाना, जो काम ओवल स्पीकर करते हैं ना वो नॉर्मल कंपोनेंट नहीं कर पाता भाई, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ओवल स्पीकर भाई जान होती है, काम करता है स्कॉर्पियो की जान है ओवल। हाँ भाई कंपोनेंट मानते हैं कंपोनेंट भी ठीक ठाक आपको आउटपुट निकाल देता है आज की डेट में अगर एम्प एम्प लगाते हैं, लेकिन जब तक ओवर स्पीकर नहीं लगाओगे स्कॉर्पियो में खासकर तो वो आपको वो मजा नहीं दे पाएगा जितना आपको एक्सपेक्ट होकर आ रहा हो कि भाई स्कॉर्पियो किसी की सुनिए ओवर स्पीकर के साथ में, वो आपको फील नहीं आ पाएगा बिना ओवर स्पीकर के, वो जरूर लगवाना है ना। बिल्कुल रोहित भाई, स्टार्टिंग कितने से होती है ओवर स्पीकर की? ओवर स्पीकर स्टार्टिंग 3000 से है, अगर ओरिजिनल स्टार्ट करो तो 3000 से स्टार्टिंग होगी। ओके जी, ओके ओके ओके, और बताते हैं भाई इसमें और क्या चेंज करें अंदर से? इसमें चेंज तो हमने सबसे पहले जो जान रहती है स्कॉर्पियो जो लोग आते हैं कराने, पहले चलो बाहर बॉडी पेंट बाहर अंदर आके फिर आपका पावर विंडो पूरा किट रहने वाला, ये हमने चेंज कर दिया, बाकी अंदर में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है, सनग्लास होल्डर भी लगा देना चाहिए व्हाइट। ये बहुत जरूरी चीज है भाई, ऊपर गाड़ी में देखो बिल्कुल रोशनी रोशनी हो गई है। ठीक है जी, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैसे इन्होंने फिटिंग फिनिशिंग कैसी करके दी हुई है। और बात करते हैं सनग्लास होल्डर की, तो सनग्लास होल्डर भी आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है यहाँ पर ओपन हो जाता है, और सिंगल लाइट में भी देख लो, एक सिंगल लाइट में भी देख लो भाई कितनी ज्यादा रोशनी है कर देता है गाड़ी के अंदर, और दूसरी चलाते तो भाई पूरा दिन बन जाता है गाड़ी के अंदर ही। बस भाई इतना इंटीरियर था आज की वीडियो में, इतना इंटीरियर था, किसी को कस्टमर इंटीरियर करना है उसका क्या रेट स्टार्ट हो जाता है भैया? सीट का अपने 7000 से स्टार्ट है, बाकी आप रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कौन से कपड़े की उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट रेट है, बाकी अगर आप पावर विंडो लगवाते तो आपको बता दिया बेस टू टॉप कराओ 25000 में करवा सकते हो। ठीक है जी, और अगर मैं एक और ऑफर दे देता हूँ आपके चैनल पे क्योंकि प्यार कस्टमर का बहुत अच्छा मिल रहा है बिल्कुल, तो उनके लिए ऑफर है कि बेस टू टॉप जो भाई कराएंगे उनके लिए यू और स्टीयरिंग रैप फ्री। ओके जी, ओके ओके ओके, ये जो आप यहाँ पे आपको स्टिचिंग दिख रही है स्टीयरिंग पे ये और साथ में ये जो है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रेट ज्यादा बढ़ा के बेस टू टॉप भी कराऊंगा तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेट तो सारे ओपन है, हेडलाइट हो साइड मिरर हो मीटर हो कुछ भी जो रेट है भाई, मीटर 8200 रुपए का टॉप मॉडल देना हो, कोई बंदा कहता है कि ये खराबी है वो खराबी है, लो हमारे सामने क्या कोई खराबी निकाल के दिखा दो, टॉप मॉडल वाला मीटर लगा के दिया हमने, इसमें क्या दिक्कत है आप बताओ। ओके ओके, बाकी इसमें एंड्रॉइड स्क्रीन में ना आपको यहाँ देखो 360 सपोर्ट के साथ मिलती है, इसमें 360 का आप यहाँ पे कैमरा लगाते हो तो वर्किंग रहता है, बाकी अपना एप्पल कारप्ले गूगल मैप सब चीज की आपको वर्किंग मिलने वाली है यहाँ पर, आप सब लोगों के सामने भाई जो स्क्रीन का रिस्पॉन्स है भाई ये देखो ये सारे ऐप्स आपको मिल जाते हैं भाई, तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स जो रहने वाला है अपनी स्क्रीन का।